दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभीर मंजरी से मिलता है और मंजरी अभीर को देखकर खुश हो जाती है। अभीर मंजरी से पूछता है कि उसने उसके लिए क्या बनाया है। मंजरी कहती है कि उसने उसके लिए मिठाई बनाई है और मंजरी अभीर के लिए मिठाई लेने जाती है। तभी वहाँ आरोही आती है और आरोही अभीर को स्वास्थ्य के बारे में पूछती है। अभीर आरोही से रूही के बारे में पूछता है। आरोही अभीर से कहती है कि रूही अभी परेशान है। अभीर आरोही से रूही को समझाने के लिए कहता है कि वह अभिमन्यु को नहीं छीन रहा है। आरोही कहती है कि रूही अलग है और वह समझती नहीं है। अभीर को यह सुनकर बुरा लगता है और वह सोचता है कि रूही उसकी एकलौती बहन है, उसे वह नहीं खो सकता है। तभी मंजरी वहाँ आती है और अभीर को मिठाई खिलाती है। वही दूसरी ओर अक्षरा अभिमन्यु से मिलती है और वह पूछती है कि उसने अभीर को महंगे शूज क्यों दिलाए। अक्षरा कहती है कि अगर उसे महंगे उपहार मिलते रहेंगे तो अभीर को नुकसान होगा। अभिमन्यु अक्षरा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसका इरादा कुछ और नहीं बल्कि अभीर के प्रति का प्रेम था। और अभिमन्यु अक्षरा को आश्वासन दिलाता है कि अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद अभिमन्यु रूही और अभीर के साथ खेलता है। रूही अभीर को नजरअंदाज करती है। अभीर रूही से बात करने की कोशिश करता है लेकिन रूही कम दिलचस्पी दिखाती है और यह देखकर अभीर को बुरा लगता है और वह अभिमन्यु से घर वापस छोड़ने की मांग करता है। अभिमन्यु उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन अभीर जिद पर अड़ जाता है। दोस्तों, वे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अभिमन्यु अभीर को कैसे अपनाएगा। जानने और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।